हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन, यूज़ ऑफ लेट इन इंग्लिश ग्रामर। ये हमें सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा और इससे हमारी इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ ऑफ लेट क्या है? लेट इंग्लिश भाषा का एक कॉमन शब्द है। इसका साधारण अर्थ है इजाज़त देना, अनुमति देना और भाड़े पर देना। भाड़े पर देने का तात्पर्य है लेट इस्तेमाल कर, जैसे कोई चीज़ हम लोग उधार लेते हैं तो उसे। यहाँ हम इसके अर्थ अनुमति देना और इजाज़त देने का प्रयोग ऊपर केंद्रित करेंगे। लेट तीन टाइप के हैं, लेट, लेट, लेट्स। तो फर्स्ट लेट, लेट इज़ अ वर्ब। लेट्स इज एस इज एडेड विथ वर्ब लेट फॉर यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। टीचर्स लेट स्टूडेंट टू गो होम अर्ली। टीचर्स लेट स्टूडेंट टू गो होम अर्ली। टीचर ने स्टूडेंट को घर जल्दी जाने की अनुमति दे दी है। द टीचर लेट्स स्टूडेंट टू गो होम अर्ली। और टीचर ने स्टूडेंट्स को घर जल्दी जाने दिया। लेट्स इज द कंट्रैक्शन ऑफ लेट्स। एग्जाम्पल, लेट अस गो टू सी मूवी। लेट जो स्टॉपी एस लगा हुआ होता है वो अस का शॉर्ट फॉर्म है। तो चलो लेट अस गो टू मूवी। तो चलो हम लोग चलते हैं मूवी देखने। यूज़ ऑफ लेट, तो देखते हैं। वी यूज़ लेट टू गिव परमिशन और अलाउ समवन टू डू समथिंग। डोंट यूज़ टू विथ लेट। हम लोग को टू यूज़ नहीं करना है किसी भी सेंटेंस में यहाँ पे लेट दिया हो, जैसे लेट टू, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी टू यूज़ ना करें कोई भी सेंटेंस में यहाँ लेट हो। लेट का प्रयोग हमेशा परमिशन लेने के लिए, किसी को अलाउ करने के लिए होता है। लेट के प्रयोग में उसे, मुझे या वह, करने दो वाले वाक्य होते हैं। लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉजिटिव रूल, लेट के पॉजिटिव रूल क्या है? तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में लेट डू नॉट, नेगेटिव के लिए हम लोग यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव के लिए हम लोग डू नॉट पहले यूज़ करेंगे। लेट से पहले डू नॉट यूज़ होगा। पहले क्या यूज़ होगा? डू नॉट, फिर लेट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हिंदी में वाक्य है, मुझे आराम करने दो। मुझे आराम करने दो। लेट मी टेक रेस्ट। लेट मी टेक रेस्ट। मुझे आराम करने दो। अव्यान को पार्क में खेलने दो। अव्यान को पार्क में खेलने दो। यहाँ हम लोग उसे बोल रहे हैं कि अव्यान को पार्क में खेलने दो। लेट अव्यान प्ले इन गार्डन। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे मेट्रो में सफ़र करने दो। हम लोग सलाह दे रहे हैं उसे मेट्रो में सफ़र करने दो। लेट हिम ट्रैवल इन मेट्रो। परमिशन दे रहे हैं, हाँ वो मेट्रो में सफ़र कर सकता है। उनको दोबारा प्रयास करने दो। हम लोग उन्हें अनुमति दे रहे हैं कोई भी चीज़ की, कि हाँ उन्हें वो दोबारा प्रयास कर सकते हैं। लेट देम ट्राई अगेन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो। लेट मी गेट यू अ ड्रिंक। इसे कैसे बोलेंगे? मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो। लेट मी, मुझे, गेट यू अ ड्रिंक। लेट मी गेट यू अ ड्रिंक। लेट मी गेट यू अ ड्रिंक। मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो। लेट मी गेट यू। गेट के बाद यू लगा है यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि गेट के बाद यहाँ यू लगा है। लेट मी गेट यू अ ड्रिंक। नेक्स्ट है, मुझे देखने दो। मुझे देखने दो। मुझे देखने दो। लेट मी सी। लेट मी सी। मुझे चलने दो। लेट मी ड्राइव। मुझे चलने दो। लेट मी ड्राइव। मुझे चलने दो।
लेट मी ड्राइव, मुझे चलने दो, लेट मी ड्राइव, रहने दो। कभी हम लोग बोलते हैं ना कि जब कुछ काम नहीं होता किसी से तो बोलते हैं रहने दो, छोड़ दो, लेट इट बी। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट इट बी। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने निर्णय लेने दो। जब हम लोग बोलते हैं बच्चों को अपने डिसीजन अपने लेने दो तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेट द चिल्ड्रन टेक देयर डिसीजन। लेट चिल्ड्रन टेक देयर डिसीजन। लेट चिल्ड्रन टेक देयर डिसीजन। बच्चों को अपने निर्णय लेने दो। नेक्स्ट है, उसे रोड पे चलने दो। लेट हिम वॉक ऑन द रोड। उसे रोड पे चलने दो। लेट हिम वॉक ऑन द रोड। नेक्स्ट है, उसे गरीबी उसे गरीब लोगों की मदद करने दो। लेट हिम हेल्प द पुअर। लेट हिम हेल्प द पुअर। उसे गरीब की मदद करने दो। उसे रोने मत दो। उसे रोने मत दो। डोंट लेट हिम वीप। उसे रोने मत दो। यहाँ हर किसी लड़की को बोला जा रहा है। डोंट लेट हर वीप। डू नॉट लेट हर वीप भी कह सकते हैं। उसे उस पार्क में मत खेलने दो। डोंट लेट हिम प्ले इन द पार्क। इन दैट पार्क, उस पार्क में है ना, यहाँ ये तो यहाँ पे दैट यूज हुआ उसके लिए। डोंट लेट हिम प्ले इन दैट पार्क। फिर उसे घर में मत जाने दो। उसे घर में मत जाने दो। डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस। डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस। डू नॉट लेट हिम कम इन द हाउस। उन्हें सच मत देखने दो। उन्हें सच मत देखने दो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना बड़े को कि उन्हें सच ना देखने दो, तो उसे क्या कहेंगे? डू नॉट लेट देम सी द ट्रूथ। डू नॉट लेट देम सी द ट्रूथ। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, डू नॉट लेट देम सी द ट्रूथ। डू नॉट लेट देम सी द ट्रूथ। फिर नेक्स्ट यूज है लेट अस। जहाँ एस लगता है ना, लेट अस के प्रयोग में आओ हम करें वाले वाक्य होते हैं। नम्रता से सुझाव देना और जवाब देना और निर्देश देना या सहायता की पेशकश करना आदि के रूप में प्रयोग होता है। जहाँ हम लोग पोलाइट वे में लेट अस डू दिस वर्क बोलते हैं ना कि चलो ये काम कर लेते हैं, तो उस जगह ये यूज होगा लेट अस। एग्जांपल मेरे साथ बोलिए और इसका स्ट्रक्चर है, लेट प्लस एस प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में वाक्य और ट्रांसलेशन दोनों। आओ हम देश की सेवा करें। आओ हम देश की सेवा करें। आओ हम देश की सेवा करें। इसे कैसे बोलेंगे? लेट अस सर्व द कंट्री। लेट अस सर्व द कंट्री। लेट अस सर्व द कंट्री। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे लेट अस और लेट्स, तो लेट अस को हम लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं तो वो साउंड करता है लेट्स लेट्स लेट अस लेट्स हो जाता है। तो हिंदी में है आओ हम देश की सेवा करें, उसे कैसे बोलेंगे? लेट्स सर्व द कंट्री। लेट्स सर्व द कंट्री। लेट्स सर्व द कंट्री। नेक्स्ट एग्जांपल है, आओ हम पिक्चर इकट्ठे देखने चलें। आओ हम पिक्चर इकट्ठे देखने चलें। लेट्स गो टू सी अ मूवी टुगेदर। हम लोग पोलाइटली बोल रहे हैं चलो मूवी देखने चलते हैं साथ में, तो उसे कैसे बोल सकते हैं? लेट्स गो टू सी अ मूवी। लेट्स गो टू सी अ मूवी टुगेदर। टुगेदर में साथ में देखने चलते हैं। नेक्स्ट है, आओ हम थोड़ी कॉफ़ी ले। आओ हम थोड़ी कॉफ़ी ले। लेट्स गेट सम कॉफ़ी। लेट्स गेट सम कॉफ़ी। लेट्स गेट सम कॉफ़ी। नेक्स्ट है, आओ अपने मतभेद एक तरफ कर और नई शुरुआत करें। जब हम लोग किसी से लड़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं कि चलो सब कुछ छोड़ो और अब हम लोग न्यू स्टार्टिंग करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे कोई काम हो, उसे कैसे कहेंगे? लेट्स पुट योर डिफरेंस असाइड एंड मेक अ न्यू स्टार्ट। डिफरेंस मतभेद हो जाना, उसे आवर डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है,
हम कल तक का इंतज़ार करें, हम कल तक का इंतज़ार करें। हम लोग को कोई प्रोजेक्ट चाहिए होता है, अगर टीचर नहीं देते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग कल तक का इंतज़ार करें मैम, तो उसे कैसे बोलेंगे? लेट्स वेट टिल टमोरो, लेट्स वेट टिल टमोरो, लेट्स वेट टिल टमोरो। नेक्स्ट है चलो हम उसकी सेहत के बारे में पूछें, चलो हम उसकी सेहत के बारे में पूछें। जब कोई हमारा फ्रेंड बीमार होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? चलो उसकी सेहत के बारे में पूछते हैं। आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे पूछते हैं। कम ऑन लेट्स इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, कम ऑन लेट्स इंक्वायर, इंक्वायर मतलब पूछना, किसी चीज़ को जानना, हिज हेल्थ। नेक्स्ट है अब हम उसे बदलते हैं, अब हम विषय बदलते हैं। जब हमारा हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर चेंज, कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना हो तो हमें क्या बोलेंगे? लेट्स चेंज द सब्जेक्ट नाउ, अब के लिए नाउ यूज हो रहा। नेक्स्ट है आओ तुम्हारे बेटे की सगाई की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट योर सन्स एंगेजमेंट, लेट्स टॉक अबाउट योर सन्स एंगेजमेंट। नेक्स्ट है हम उसे झगड़े में शामिल ना हों, हम उस झगड़े में शामिल ना हों, लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन हिज क्वैरल, लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन हिज क्वैरल, लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन हिज क्वैरल, हम उससे झगड़े में शामिल ना हों, लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन हिज क्वैरल। नेक्स्ट है हम रोड पर ना चलें, यहाँ रोड पर ना चलें, लेट्स नॉट वॉक ऑन द रोड, हमें रोड पे नहीं चलना चाहिए। आओ बाईं ओर चलें, लेट अस स्किप टू द लेफ्ट, लेट अस स्किप टू द लेफ्ट, हम लोग को हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, उसे कैसे बोलेंगे? लेट अस स्किप टू द लेफ्ट। कनिका के पापा ने उसे अपने मोबाइल से खेलने दिया, कनिकाज फादर लेटर प्ले विथ हिज मोबाइल, कनिका के पापा ने उसे अपने मोबाइल से खेलने दिया, उसे कैसे बोलेंगे? कनिकाज फादर लेटर प्ले विथ हिज मोबाइल, लेटर प्ले विथ हिज मोबाइल। नेक्स्ट है साची के बॉस ने उस दिन उसे जल्दी जाने दिया, साची बॉस लेटर अर्ली लीव अर्ली ऑन दैट डे, साची के बॉस ने उसे दिन से उसे जल्दी जाने दिया, साची बॉस लेटर लीव अर्ली ऑन दैट डे, साची के बॉस ने उस दिन उसे जल्दी जाने दिया, साची बॉस लेफ्ट हर लीव ऑन अर्ली ऑन दैट डे, उस दिन दिया बस जाने, इसलिए ऑन दैट डे। हमें अपना पास ज़रूर रखना चाहिए जो तुम्हें ट्रेन फेयर के प्रवेश दें, ट्रेड फेयर्स के प्रवेश लेने देता है, यू मस्ट कीप योर पास विच लेट यू लेट्स यू एंटर इन द ट्रेड फेयर, तुम्हें अपना पास ज़रूर रखना चाहिए जो तुम्हें ट्रेड फेयर में प्रवेश लेने देता है, यू मस्ट कीप योर पास विच लेट्स यू एंटर द ट्रेड फेयर्स। सो या इंग्लिश स्पोकन की में बहुत हेल्पफुल है, जब हम लोग कोई सी चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं या कहीं जाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं तो लेट का यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो इसी तरह इंग्लिश में बोलने के लिए सीखने के लिए मुझे सुनते रहें और देखते रहें मेरे चैनल द लर्निंग जोन में, और उम्मीद